Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut mein badmashon ke hausle buland hain. Pichle 24 ghante mein shahar mein jahan doctoron ko mari gayi goli ek timardar ko lagi, wahin subah इंदिरा नगर में गोली लगा सुनीता मिश्रा नामक महिला का शव उसके ही घर से बरामद हो गया। दरअसल लोहिया नगर में दिन में हुई कहासुनी के बाद रात में बदमाश अपने साथियों संग क्लिनिक पहुंचा था। उसने चिकित्सक एमडी अहमद पर गोली चलाई लेकिन वह लखीपुरा निवासी अय्यूब को जा लगी। गुस्साई भीड़ ने भागते दो बदमाशों इमरान और आकिब को दबोच लिया और लहूलुहान कर पुलिस को सौंप दिया। बाकी दो अन्य बदमाशों की पुलिस तलाश कर रही है। लोहिया नगर थाना क्षेत्र स्थित मदरसे वाली गली जाकिर कॉलोनी में डॉक्टर एमडी अहमद के क्लिनिक पर यह घटना हुई। देखिए। क्या नाम तेरा? अय्यूब। अय्यूब कहाँ रहे? ये इधर डॉक्टर साहब। अच्छा मारी किसने? कौन थी जिसने मारी है? लेके चलो। वो कहाँ है? जल्दी से कौन निकालिए? अय्यूब कहाँ रह भाई? ले जाओ जल्दी बिठा के भेजेंगे। इस बारे में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने यह जानकारी मीडिया को दी। क्लिनिक में घुसे डॉक्टर पर जानलेवा हमला, पब्लिक ने दो बदमाशों को पीटा। क्या है पूरा मामला? पीछे तक का मामला। देखिए थाना लोहिया नगर के जयपुर कॉलोनी में कल रात में पुलिस को सूचना मिली कि डॉक्टर के क्लिनिक पे कुछ व्यक्तियों द्वारा फायर किया गया, जिसमें व्यक्ति घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच कर घायल कर उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया है। उसके पेट में गोली लगी थी, अभी कंडीशन उसकी स्टेबल बताई जा रही है। पुलिस ने भीड़ की व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसमें जो शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि दोपहर में डॉक्टर क्लिनिक पे 3-4 लोग आए थे, जिसमें वहाँ पे क्लिनिक में मौजूद व्यक्तियों से इनकी कहासुनी हो गई थी। इसी बात को लेकर ये लोग रात में आए। रात में आने के बाद डॉक्टर क्लिनिक पे इन्होंने फायर किया। फायर में एक अय्यूब नाम के व्यक्ति हैं, जिनका जो अपने पिता को दिखाने आए थे, उनके पेट में गोली लगी है। और इसमें पुलिस ने जैसे मैंने बताया कि दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया और लोगों का आरोपी तलाश जारी है, जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट।